बात पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूरे दिन टीम बैठी रहेगी, उनके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप पढ़ें। हमारी फीस जो है मैथ की वो 4000 रुपए है, और वो सिर्फ इसी बैच के लिए, क्योंकि जब हम क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीजें रखेंगे आपके लिए, तो हम फीस तो बढ़ाएंगे और फीस कलेक्ट करेंगे। बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि 5000 बच्चे हम यहाँ पढ़ाएं जो दिल्ली पढ़ा रहे हैं। हमारे पास दिल्ली में अच्छी खासी भीड़ आती, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। मैंने आपको कहा हम गांधीवादी लोग नहीं है, बिल्कुल आदर्शवादी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चे से हमने 10 रुपए फीस के ले लिए, तो उसको अगर 100 रुपए का कंटेंट और क्वालिटी प्रोवाइड करी, तो हम ईमानदार हैं। क्योंकि ईमानदार का मतलब ये नहीं कि हर चीज फ्री में की जाए, ईमानदार का मतलब है जो उसका काम है वो पूरी ईमानदारी से कर दे। तो हम अपना काम पूरी ईमानदारी से आपके साथ करेंगे, बस आप अपना काम ईमानदारी से करना, आप जुड़े रहना चीजों पे। चीजें ऐसे भी नहीं है, और मैं इतना बढ़िया भी नहीं पढ़ाता कि आप सबको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि फिर तो मैं भगवान बन जाऊंगा, उसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी रहती होंगी कि एकदम 100% समझ में आता हूँ। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको 90% चीज समझ में आई है, तो आप डाउट सेशन में बैठो, मुझसे पूछो, क्लास में जो यार दोस्त उनसे डिस्कस करो, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो उसको तैयार करके आओ, उसे 100% तक बढ़ा के लाओ। तो इस तरीके से चीजें करनी होगी, और सिलेक्शन बड़ा आसान भी है और सिलेक्शन बहुत मुश्किल भी है। जीवन में कामयाबी के लिए रणनीति बड़ी जरूरी है। अगर आप सटीक रणनीति के साथ काम करते रहेंगे ना, तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप 2 साल कोचिंग ले लेंगे ना बच्चे, तो आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत आ जाएगा, जो यहाँ बच्चा कह रहा था अभी, लेकिन मेंस का पेपर देख के हवा टाइट हो जाएगी उसकी, अरे वो कॉन्फिडेंस धरा रह जाएगा और बंप हो जाएगा भाई। तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना, हम क्यों बढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पहला उद्देश्य नौकरी के लिए। आपका मुझे जो फील होता है कि स्टूडेंट चाहता है भैया नौकरी लग रहे, उसी के लिए पढ़ने हैं, वरना तो शुरुआत से पढ़ने लग रहे थे, वरना पढ़ाई से पढ़ा था कोई दुश्मन ही नहीं। क्योंकि आदमी का सबसे ज्यादा बोरिंग टाइम यही होता है, उसको खिलाड़ो सबसे बढ़िया मन लगता है। लेकिन इस पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंगली हम करें, और इससे जो हमें चाहिए वो हम चीज निकाल लें। हमारा पहला और आखिरी टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, कि हमें सिलेक्शन लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जिसको टीचर बनना है, विद्वान बनना है, वो 1-2 साल लगातार उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो फिर उस टीचिंग लाइन में आ जाएगा। लेकिन टीचिंग में नहीं आना, आपको क्या बनना है, इंस्पेक्टर। आपको अपने स्टेट पुलिस के या स्टेट बोर्ड के एग्जाम निकालने हैं, जो स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके यहाँ का होगा, तो आपको तैयारी उस चीज की करनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट तक फोकस रहिए, बाकी चीजों को इग्नोर करिए, और उस परसेप्शन को 100% बदलिएगा मेरी क्लास में, वरना आपको बार बार फील होगा अरे 2 साल तो हुआ ही नहीं, 2 साल तो हुआ ही नहीं, आप परेशान होते रहेंगे इसमें। इसलिए सोच के आइए कि भैया हम 5-6 महीने के लिए आए हैं, 5-6 महीने में इतना तैयार होना है कि किसी भी एग्जाम को निकाल देंगे और किसी भी स्टूडेंट से टक्कर ले लेंगे, तू राजा SSC के लेवल का कोई क्वेश्चन उठा। मैंने आपको कहा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है बेटा साल भर की कोचिंग से। मैं आपको बिल्कुल धीरे 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 कराता रहूंगा ना, आपका मन तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। और आपका उद्देश्य मन अच्छा करना नहीं है, एग्जाम निकालना है। मैं आपको 2 बार धमका के भी बोल दूं तो आपको बुरा लग जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर वही चीजें आपके एग्जाम में आ जाए ना, तो आप वहां पर दुआ दे रहे होंगे कि चलो उसने धमका के पढ़ाया, लेकिन ये चीज एग्जाम में आई। और मैं 2 साल तक आपसे प्यार से प्यार से प्यार से चले जाऊं, एग्जाम में गाली बोलूंगा कि सारा कुछ नहीं आया पढ़ाया। तो आपको चुनना क्या है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? इसलिए उस चीज को बदलना। बाकी मुझसे आपको कुछ भी पूछना है आप पूछिए। जैसे आज हम एक कन्वर्सेशन खत्म करेंगे, हम लोग नीचे इकट्ठा होंगे, गांधी मैदान चलेंगे, जो अभी SSC स्कैम कर रहा है उसको 3-4 दिन के अंदर होपफुली कुछ आ जाएगा, CBI इंक्वायरी हो ही गई है और चीजें सुधरेंगी, नया जमाना आ रहा है, यूथ है, अपनी मांग तो रखेगा ही रखेगा, जो गलत हो रहा है सही होगा। बस आप एक चीज में जीवन में विश्वास रखना, मैंने भी अपने जीवन में यही देखा कि लाइफ में बहुत बार बड़ा बुरा सा फील होता है कि यार चीजें सही ट्रैक पे चल नहीं रही, बड़ा बुरा सा होता है, डिप्रेशन भी आता है, बहुत बार स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीजें आती रहती है। तो आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखना मेरी, कि सर ने कहा था कि चलते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। मुझे ये लगता है कि इस समय पे आपकी सच्ची देशभक्ति अगर कुछ है, आपकी सच्ची कोई देश सेवा है यहाँ पर, तो वो आपकी जो करियर है ना वो है।
आपके माँ बाप ने जो आपको एफर्ट दे दिए, जितना कमा के दे दिया, जा बेटा पढ़ ले तू जाके, आप बस उस काम को तसल्ली से कर ले, उनको एक सिलेक्शन ला के दे दें, वो मेहनत कर ले, वही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। वरना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में दुनिया मरती जा रही है, ये देश इन्हीं चीजों से खराब हो रहा है, आगे भी खराब होता चला जाएगा। आप सच्चे देशभक्त तभी कहलाएंगे जब आप अपने कर्म करेंगे, अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तक फोकस रखिए। मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की ना तो कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, वो सिर्फ स्टूडेंट होता और बेरोजगार होता। समझनी चाहिए, ना वो मोदी का भक्त है, ना वो लालू का भक्त है, ना किसी और का भक्त है। तो आपको कुछ पूछना हो मुझसे, अच्छा ये इंग्लिश की भी क्लास रहेगी, मैं अपना टाइमिंग बता देता हूँ, आप नीचे इंक्वायरी में आके भी पूछ सकते हैं पूरे दिन में। मैथ की जो क्लास है वो डेली 11 से 12:45 तक 6 के 6 दिन रहेगी, मंडे से सैटरडे तक। इंग्लिश की जो क्लास है मैं बोल देता हूँ, वो पहले 3 दिन रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, गोपाल वर्मा सर की 12:45 से 2 बजे तक, और 12:45 से 2 बजे तक ही आखिरी 3 दिन में रीजनिंग की क्लास होगी जो अरुण सर ले रहे होंगे, और 2 से 5 एक बैच रहेगा जीएस स्पेशल, जिसमें सारी मुखर्जी नगर की जो टॉप फैकल्टी हो। लेकिन आप किसी भी में भी एडमिशन अभी मत लेना, जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा हुआ है, जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हुई है, उनको मेरा स्टाइल पता है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे मैं समझाता हूँ, तो वो तो आंख बंद करके अपने तरीके से काम कर ले। लेकिन बाकी बच्चा आराम से 3 दिन 4 दिन 5 दिन चेक करे, चीजें जब बहुत तसल्ली से वो खुश हो जाए कि जिस चीज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं वो चीज मिल रही है, तो आप पैसे देना, वरना बिल्कुल मत देना। मैंने आपको कहा हमारा उद्देश्य शुरुआत में पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम पूरी की पूरी क्वालिटी यहाँ पे डिलीवर कर दें। जब हम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देंगे तो हम जरूर कमाएंगे, 100% कमाएंगे। तो आराम से सोच समझ के बहुत बहुत गहराई में जाके डिसीजन लेना है कि ये चीज ठीक है गलत है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में फीस जमा करा दे जीएस इंग्लिश या रीजनिंग की। मैथ में तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो जानते हैं वो चीजें मेरे बारे में कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और YouTube को पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाना डिफरेंट है। जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो YouTube से आधी स्पीड, मतलब बहुत धीरे हो जाते हैं। YouTube पे तो हमें बच्चा बैठा नहीं होता, तो सीधा रिकॉर्डिंग करनी होती, कंटेंट समझाते हैं। जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत धीरे पढ़ाना होता है ताकि सारा बच्चा जुड़ जाए, और जब लाइव क्लास चल रही होती है तो कोशिश ये होती कि इतना धीरे पढ़ा दो कि बच्चे के डाउट वहाँ बने ही ना, वरना माइक वगैरह सारा रहता है, आप पूछ सकते हैं। तो आप आराम से सोच समझ के तब डिसीजन लेना, तब एडमिशन लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम 2 टाइम आपको फालतू दे देंगे, बस मैथ में हमारे पास एडमिशन लगभग हो गए, थोड़ी बहुत जगह है, तो हम मैथ में डेमो नहीं दे पाएंगे, बाकी चीजों आपको प्रॉपर डेमो देंगे। आप आराम से चेक करिए और बढ़िया से करिए, मैथ में भी जितने डेमो दे पाएंगे उतने जरूर आप लोगों को डेमो देंगे। और 3 दिन मैंने आपसे मांगे कल से व्यवस्थाएं सही करने में, हमें 3 दिन में हम व्यवस्थाएं सही कर देंगे। अब आपको जो पूछना पूछ लीजिए। मैथ की फीस 4,000 रुपये, नहीं बेटा कोई पेन ड्राइव इंटरव्यू नहीं है हमारा, ये लाइव चलेगी प्लस। हाँ, इंग्लिश की फीस भी 4,000 रुपए, कोई कंबाइंड में डिस्काउंट उसका कुछ नहीं, सिर्फ 4,000 रुपए रखा है। मैथ की भी 4,000 इंग्लिश की, और रीजनिंग की 2,000 है, और जीएस की भी 2,000 है। हाँ जी बेटा, इस बैच में एडमिशन नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट मंथ बैच आ रहा है, हर महीने बैच आते रहते हैं। बेटा मैथ में भी, इंग्लिश में भी, प्री से लेके मेंस तक का, मैथ में भी और इंग्लिश में, क्योंकि स्पेशल बैचेस जो होते हैं ना उसका मतलब ही होता है कि सब कुछ कवर करना, वरना तो मैं प्री पढ़ाना होता तो मैं कंबाइंड करके ना रख लेते हैं। देखो सीट तो मिलेगा, बाकायदा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा यहाँ से। अगर आप मैथ में ले रहे हो तो सिर्फ मैथ का होगा, और इंग्लिश में ले रहे होंगे तो सिर्फ इंग्लिश का प्रोवाइड होगा, जिस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो उसी का प्रोवाइड होना है। टेस्ट सीरीज आपको सारी चीजों की प्रोवाइड होगी, ठीक है। हम बता नहीं बेटा डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव की हो रही है। डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा नहीं है, जिस दिन आपका टायर 3 हो रहा होगा, अभी जैसे रिजल्ट आएगा टायर 3 जब भी होगा, तो उस समय हम डिस्क्रिप्टिव की क्लास यहाँ पे चलवा देंगे। डेमो नहीं चाहिए सर, जैसे कि हम लोग को 2-3 दिन तो हम लोग एडमिशन लेने में लगेगा।
नहीं हम तो कल से क्लास चालू करें, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप दो तीन दिन नहीं पूरा एक सप्ताह डेमो लो, कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा टाइम चाहिए ना, आप पूरा एक महीना टाइम लो, अगले बैच में अब जो मैथ वाले हैं, जैसे इसमें हमारे पास इतनी सीट है 300 के आसपास सीट है, तब उसके ज्यादा कैसे ले, दो दिन में दो अगर सीटें थी तो जरूर करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे, आज समझो मेरी बात। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मैथ में करना है तो सर होंगे वो कि पूरा 4000 रुपये आज ही जमा करना है, आप अपना जो भी छोटी मोटी फीस जमा करके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, हाफ करके वो कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का डाउट ये है, आपको थोड़ा सा अपडेट चाहता कि बैंकिंग का, देखो यार हम जो है ना ओरिएंटेड है एसएससी और आपके जो स्टेट में एग्जाम होते हैं उनके लिए, बैंकिंग में जो मैथ वाला पोर्शन है ना वो सब आपका होगा, बस एक डीआई वाला पोर्शन ऐसा है ट्रांसपोर्टेशन और वो बैंकिंग में बहुत चला जाता है आगे डीप में, और एसएससी में कम लेवल रहता है उसका। एसएससी में कैलकुलेटिव है अभी जो दिया मेंस में जिन्होंने दिया होगा इस बार, एसएससी थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, बैंकिंग थोड़ा डिटेल चला जाता है, तो हम कमिटेड नहीं है उस चीज के लिए, हम एसएससी ओरिएंटेड है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि आप वो डीआई वाला भी हो पाए, मैं उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे वो डीआई वाला, क्योंकि बैंकिंग की जो डीआई होती है महीने भर चलती है लगातार तब जाके होती है, और बैंकिंग में क्योंकि अभी इतनी सारी वो स्कोप होता नहीं है तो इतने बच्चे होते नहीं, इसलिए हम एसएससी पे फोकस रहते हैं। हाँ बच्चे वो किसी को पूछ रहा हूँ बस एक ही करके, इस बैच में जैसे जगह नहीं मिल पाया तो अगले बैच के लिए फिर क्या होगा सर, बढ़ जाएगा ना तो हम लोग कैसे, बेटा अभी अगले के लिए सोचा नहीं है, सच्चाई है। देखो सर मैं बताऊँ, हम लोग पहली बार आए तो हमें व्यवस्था का यहाँ पता नहीं था कि इतने बच्चे होंगे, मुझे लगा कि इतने बच्चे वहाँ होंगे नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं, मुझे चीजों का पता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इतने 300 बच्चे आएंगे हॉल में बस इतने होंगे, तो नहीं हमें वो दिल्ली वाली आदत पड़ी हुई है तो वहीं बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो यहाँ आके देख रहे हैं ना यहाँ पे बच्चे तो बहुत ज्यादा। हाँ बच्चे और किसी को कुछ, हाँ एक अच्छा हाँ पीछे से बेसिक पढ़ के आए या ना आए यही मतलब था ना, देखो यार एसएससी जो है ना वो आपसे बिल्कुल डिमांड नहीं करता कि आपका मैथ बैकग्राउंड है या नहीं है, एसएससी प्योर लॉजिकल एग्जाम है, आप बिल्कुल मत पढ़ के आना, लेकिन जो मैं पढ़ाऊं उसे जरूर पढ़ के आना, ठीक है आपको डिफरेंस बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा 3-4 दिन में, बस सकते हैं आपको इस मन में ठान लेना कि हमें इनके साथ चलना है, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही नीचे रह जाए उससे फर्क पड़ेगा नहीं, हमें भागना होगा भाई, अगर आप थोड़ा धीरे भाग रहे हैं तो कोशिश करनी होगी साथ में चले, वैसे में बहुत धीरे लगी जाए बेटा, हमारा जो मैथ वाला पोर्शन है ना वो सारे एग्जाम में आपको हेल्प कर देगा, सारे सब्जेक्ट में भी, हम जीएस भी लेके आ रहे हैं, रीजनिंग भी ला रहे हैं, मैथ भी ला रहे हैं, इंग्लिश भी ला रहे हैं, हाँ जीएस का 2-5 बैच है स्पेशल, देखो बेटा मीडियम जो होता है ना मैथ का, तो जो मैं बोल रहा हूँ यही मीडियम है मैथ का, तो ठीक है मतलब देसी आदमी वही भाषा सीपी, अरे यार सीपीयू एसएससी का ही तो पार्ट है, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, ये सारे एसएससी के पार्ट है, सबका कॉमन सिलेबस है, सारी क्लास मेरी लाइन चाहिए। हाँ जी बेटा एक एक करके बेटा, नहीं बच्चे अभी हम हॉल में ही कर पा रहे हैं उसको अरेंज, ऐसा है नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, वरना तो बच्चा घर पे बैठ के देख ले लैपटॉप में, पता चले उसको रिकॉर्ड कर ले और काम हो गया हमारा। और बेटा किसी को कुछ बेसिक की बच्चे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो मैंने कहा ना ये एसएससी वाला मैथ वो नहीं है कि आपको बीटेक वाला होना पड़े या बेसिक बहुत सुन, बिल्कुल लॉजिक वाली चीजें समझ में आ जाती है बेटा। एक सेकंड के लिए देखो बेटा जो टेस्ट सीरीज के, हाँ
तैसरी जितनी होंगी ना, देखो सारी पहली बात तो ऑनलाइन होगी यानी आपके मोबाइल में होगी, वीक में एक तैसरी जाओगी जो कंबाइंड होगी जिसमें पूरा इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस, चाहे आपने मैथ में एडमिशन लिया तब भी वो पूरी ऑनलाइन तैसरी मिलेगी। दूसरा आपको जो यूनिट वाइज टेस्ट, जैसे परसेंटेज में 12-13 यूनिट छोटे छोटे, तो यूनिट वाइज भी आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, वो भी ऑनलाइन मिलेगी, उनके सॉल्यूशन भी वही लिखे मिलेंगे आपको ऑनलाइन के सामने। अब हाँ, जो अगर हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में डाउट होगा तो दो तीन तरीके हमारे पास, एक तो मैं सारी टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं साथ के साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो डाउट सेशन बैठेगा उसका काम ये होगा कि आपके एक एक डाउट को दूर करा जाए, ठीक है, तो वो काम ही रहेगा उसका। बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ वो ऐसे ही टोन है, तो इंग्लिश को भी प्रॉपर समझ में आता है, हिंदी वालों को भी प्रॉपर समझ में आता है। बच्चे मैं लिखने वाले जो टर्म है दोनों में लिखी जाती है। मतलब मैथ में एडमिशन लो, इंग्लिश का काम चलाओ, ऐसा कर सकते हैं, डाउट के लिए मैं करा दूंगा। लेकिन इंग्लिश में जो डाउट है ना, वो मुझे जो मतलब मुझे जो फील होता है वो इंग्लिश में डाउट साथ साथ शायद क्लियर होते जाते हैं टीचर से इंटरेक्ट करके। मैथ ऐसी चीज है कि आपने यहाँ पढ़ी, घर जाए आपको समझ में आएगी, लेकिन घर जाए तो आपको डाउट आ गया कुछ, तो मैथ में आपको अलग से डाउट सॉल्यूशन की जरूरत होती है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, मतलब वो टीचर जो हमारे हैं सर वो इतना धीरे जाते हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैथ के लिए मैं 100% कमिटेड हूँ। बेटा एसएससी में मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें हल्का सा रेशियो गिरा है। इस बार हुआ क्या है कि जो एग्जाम है ना उसमें क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज की गई है, पहले पैटर्न चलता था वैल्यू रखने वाला, वो इस बार फेल हुआ है, ठीक है। यानी चीजें कॉन्सेप्चुअली भी आपको आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर अभी भी अपना रोल प्ले करता है लेकिन अब उतने बड़े रोल उस पर नहीं जो मेंस में, बाकी एग्जाम में प्रॉपर चलता है प्रीवियस ईयर का, इस वाले में हल्का सा चेंज हो रहा है। कंटिन्यू करो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हो कंटिन्यू करते रहिए, उससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी कैसे काम करना है। आप बहुत पीछे नहीं चाहिए, आप मुश्किल से 3-4 साल पीछे।